Hello students and my friends, today I am going to explain some other important terms of French Revolution, which is the first chapter of history of class 9th. Term number 7 is the Declaration of Rights of Man and Citizen. In 1789, the French National Assembly adopted a set of basic principles called the Declaration of Rights of Man and Citizen, proposed by Lafayette and based on the ideas of Locke, Montesquieu and Jefferson. This document stated that men are born and remain free and equal in rights, and that the source of power resides in the people. It guaranteed all the Frenchmen the basic rights of liberty, security, equal justice, fair taxes, speech, religion and thought. So this is the meaning of the term the Declaration of Rights of Man and Citizen. The Declaration of Rights of Man and Citizen, ye kya samjhata hai aapko? Isme bola gaya hai ki in 1789 the French National Assembly adopted a set of basic principles called the Declaration of Rights of Man and Citizen. कि 1789 में जो फ्रेंच नेशनल असेंबली थी उसने 1789 में अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि आधारभूत सिद्धांतों के एक संग्रह को उसने अपनाया. 1789 में द फ्रेंच नेशनल असेंबली ने आधारभूत सिद्धांतों के एक संग्रह को अपनाया. उसी सिद्धांतों के संग्रह को क्या कहा गया? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहा गया, प्रपोज्ड बाय लाफायट. और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, जिसे सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कहा गया, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया? ये लाफायट के द्वारा प्रपोज किया गया, एंड बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लूक मॉन्टेस्क्यू एंड जेफरसन. लेकिन यह लूक मॉन्टेस्क्यू और जेफरसन के विचारों पर आधारित था. दिस डॉक्यूमेंट स्टेटेड दैट, ये डॉक्यूमेंट कहता था कि मैन आर बॉर्न, मनुष्य जन्म लेते हैं, एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, और वो स्वतंत्र हो जाते हैं और उनको समान रूप से सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं. एंड दैट द सोर्स ऑफ पावर रिसाइड्स इन द पीपल, और सत्ता की जो ताकत है वो जनता में समाहित होती है. ये सारे विचार इसमें लिखे गए, इसमें समाहित किए गए. इट गारंटीड ऑल द फ्रेंच मैन द बेसिक राइट्स ऑफ लिबर्टी, सिक्योरिटी, इक्वल जस्टिस, फेयर टैक्सेस, स्पीच, रिलीजियन एंड थॉट. और ये जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो लाफायट के द्वारा दिया गया और जो जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू और लूक के सिद्धांतों पर आधारित था, ये क्या करता है? ये सभी फ्रेंच वासियों को, सभी फ्रेंच के निवासियों को ये गारंटी देता है कि उन्हें आजादी के सारे अधिकार, आजादी के जो आधारभूत अधिकार हैं, वो अधिकार मिलेंगे, उनका संरक्षण होगा, उनको सुरक्षा मिलेगी, इक्वल जस्टिस, उनके साथ समान रूप से न्याय होगा. जितने भी फ्रेंचवासी हैं, सभी फ्रेंचवासियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से न्याय किया जाएगा. फेयर टैक्सेस, फ्रांस वासियों पर, जितने भी फ्रांसीसी हैं, सबके ऊपर एक फेयर टैक्सेस, जिसको बोला है जायज कर, यानी कि नाजायज कर नहीं, जायज कर, सबके ऊपर एक जायज कर लगाया जाएगा. किसी के ऊपर भी अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया जाएगा. स्पीच, सबको अपनी अभिव्यक्ति, अपने भाषण की स्वतंत्रता होगी. रिलीजियन, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी. एंड थॉट, और कोई भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा. तो ये सारी बातें, ये सारी खूबियां जिस सिद्धांतों में समाहित थी, उस सिद्धांत को द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहा गया. नेक्स्ट टर्म आप देखिए, नेक्स्ट टर्म है फिजियोक्रेट्स. फिजियोक्रेट्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोक्रेट्स? द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट्स वर कॉल्ड फिजियोक्रेट्स. जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट्स थे, जो फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे, उनको फिजियोक्रेट्स कहा गया. दे बिलीव्ड दैट टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ दोज
ऑन हुम दे वर लेविड। और ये जो फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे जिनको फिजियोक्रेट्स कहा जाता था, ये बिलीव, इनका ये विश्वास था, ये बिलीव करते थे कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वो उनकी स्वीकृति के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए, यानी उनकी स्वीकृति होने पर ही उनके ऊपर वो टैक्स लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं जब उसकी स्वीकृति होगी कि हाँ ये जायज टैक्स है, ये फेयर टैक्सेस है, और वो स्वीकृति देगा कि हाँ, यानी जनता जब राजी होगी कि हाँ जो टैक्स सरकार ने लगाया है वो एकदम जायज है, सही है, देश के विकास के लिए सही है, तब उस टैक्स को लागू किया जाना चाहिए। ये इनका विचार था, ये इनका विश्वास था, ये इनका मत था। देयर बिलीव्स undermined the feudal rights and privileges of the upper classes। और इनके इस विश्वास ने क्या किया, इनके इस विश्वास ने जो feudal rights है यानी सामंतवादी जो अधिकार थे और अपर क्लासेस की जो सुविधाएं थी उनको धीरे धीरे उनके प्रभाव को कम कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म आती है, इसका नाम है लिवरे, LIVRE, लिवरे। ये लिवरे क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी यूज्ड इन फ्रांस टिल 1794 से पहले या 1794 तक फ्रांस में जो करेंसी यूज्ड होती थी उस करेंसी के यूनिट को लिवरे कहा जाता था, लिवरे नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट टर्म है टाइट, TITHE, टाइट। इसका जो प्रोनंसिएशन है वो टाइट है। तो टाइट क्या है, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च इक्वल टू 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उस एग्रीकल्चर को 10 से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट चर्च, वो अमाउंट टैक्स के रूप में चर्च को दिया जाएगा, यानी चर्च ने वो टैक्स लगाया जनता के ऊपर जो टैक्स चर्च को दिया जाना है। तो जितना भी प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चर के उस इकोनॉमी को 10 से डिवाइड करके, एग्रीकल्चर के उस अमाउंट को 10 से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट टैक्स के रूप में दिया जाना है। और ये लगाया किसके द्वारा गया, ये चर्च के द्वारा लगाया गया। और इसको किस नाम से पुकारा जाता था, इसको टाइट के नाम से, इस टैक्स को टाइट के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट टर्म जो आपकी है वो है सेतु, CHATEAU। इसका जो प्रोनंसिएशन है, सही प्रोनंसिएशन है, वो है सेतु। तो सेतु क्या है, कैसल बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, नोबलमैन के लिए या किंग के लिए जो कैसल यूज होते थे, जो किले यूज होते थे, उनको सेतु नाम दिया जाता था, सेतु नाम से उनको पुकारा जाता था फ्रेंच में। नेक्स्ट है मैनर, मैनर, मैनर टर्म का क्या मीनिंग है, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंशन। एन स्टेट, एक ऐसा इलाका जिसमें लॉर्ड्स लैंड यानी मालिकों की भूमि हो या मालिकों का नगर या उसका देश हो, और हिज मैंशन, और उसकी हवेली हो। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी मालिक की, जो मालिक है, साहूकार है, या जो उस क्षेत्र का एक लॉर्ड है, उसकी वहां पे हवेली और उसका इलाका, उसकी भूमि, उसको हम मैनर के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट हम सेप्टर, सेप्टर, SEPTRE, सेप्टर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये सेप्टर एक सिंबल है, किसका सिंबल है, रॉयल पावर का सिंबल है। तो ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर है, रॉयल पावर का सिंबल है, जिसे क्वीन या किंग धारण करते थे किस समय, जब कोई पनिशमेंट देना हो किसी को, या अपना रॉयल्टी की जो पावर है उसको शो करना हो जनता में, उस समय ये उसको धारण करते थे। फिर नेक्स्ट टर्म निग्रोज, निग्रोज, आपने इस टर्म को सुना है और बहुत बहुत ज्यादा इस टर्म्स के बारे में लोग जानते भी हैं। तो निग्रोज क्या है, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। एक ऐसी टर्म जो दक्षिण सहारा और अफ्रीका के मूल निवासियों के लिए, या उनके वहां जो निवासी थे
उनके लिए जिस टर्म का, जिस शब्द का उपयोग किया जाता था, और वो कैसा शब्द था, वो एक डिरोगेटरी, 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 डिरोगेटरी टर्म थी वो। अ डिरोगेटरी टर्म नॉट नाउ कॉमनली यूज्ड, ये ऐसे डिरोगेटरी टर्म थी जो अब यूज नहीं होती है। डिरोगेटरी टर्म का मीनिंग क्या होता है? डिरोगेटरी टर्म का मीनिंग होता है अपमानजनक शब्द। ये एक अपमानजनक शब्द था। तो अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो काले थे, ब्लैक उनको बोला जाता है, और इसी कारण से उनके लिए ये डिरोगेटरी टर्म नीग्रो वर्ड यूज किया जाता था, जो कि एक अपमानजनक शब्द था। नेक्स्ट है ओल्ड रेजिम। इसका जो प्रोनंसिएशन है ओल्ड रेजिम, आर ई जी आई एम ई, इसको देखिए रेजिम, रेजिम इसका प्रोनंसिएशन है। तो ओल्ड रेजिम क्या मीनिंग है इसकी, क्या डेफिनेशन है, ओल्ड रेजिम क्या था? तो द टर्म यूज्ड टू डिनोट द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच एग्जिस्टेड इन फ्रांस बिफोर 1789 से पहले फ्रांस में जो सोसाइटी थी, फ्रेंच में जो सोसाइटी थी और जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करती थी, वहां की संस्थाएं हुआ करती थी, उनको ओल्ड रेजिम के नाम से जाना जाता था। फिर है डिस्पोटिक, 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 डी ई एस पी ओ टी आई सी, डिस्पोटिक टर्म का क्या मीनिंग है? तो डिस्पोटिक का जो हिंदी में वर्ड होता है वो होता है निरंकुश, निरंकुश। डिस्पोटिक का मीनिंग है निरंकुश, यानी जिस पे कोई अंकुश ना हो, अपनी मर्जी से कोई काम करता है उस पे किसी का अंकुश नहीं है, इसका मतलब सारी शक्ति उसी के हाथ में आ गई। तो ऐसी सत्ता को या ऐसे व्यक्ति को जो निरंकुश तरीके से कार्य करता है, उसको हम डिस्पोटिक कह सकते हैं। तो डिस्पोटिक का क्या मीनिंग है? अ रूलर विद एब्सोल्यूट पावर और हैज नो केयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अ रूलर एक ऐसा राजा विच हैज एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास पूरी शक्ति है, और हैज नो केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसको संविधान की कोई परवाह नहीं है, ऐसा राजा, ऐसा रूलर डिस्पोटिक कहलाता था। आई होप दिस इंपॉर्टेंट टर्म्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। Thanks for watching this video, and if you have not subscribed the channel, then subscribe this channel, because with the help of this channel you will learn a lot of things. Thanks for watching this video.